हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या विकास। आज हम लोग मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल एक तो लोग सब जानते हैं कि गोल सर्कल होता है, राइट? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस। सर्कल में बस एक ही मेजरमेंट होता है, वो होता है इसका रेडियस। अब इससे दो चीज कैलकुलेट करते हैं, एक तो इसका हो गया एरिया, दूसरा होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस तो उसका निकालने क्या होता है? 2πr। ये होता है सिंपल सर्कल का। तो सर्कल का तो सभी लोग जानते हैं। अब सर्कल से बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे एक पहला होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में क्या होता है? हाफ सर्कल होता है, चांद की शेप का सर्कल होता है। चांद के शेप में सर्कल में क्या होगा? एक रेडियस आएगा। अब डायमीटर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 times ऑफ रेडियस। ये बात तो बहुत बेसिक है, छोटे छोटे बच्चे लोग भी जानते हैं। नाउ अब हम लोग इसका एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। एरिया के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल है, पूरा जो सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन सर्कमफ्रेंस में चेंज हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस जो निकालेंगे अब क्या होगा? हाफ तो सेमी सर्कल बन रहा है, तो वो हो गया पाई आर। क्यों हुआ? क्योंकि 2πr का हाफ हुआ तो पाई आर बचा। अब एक और डायमीटर भी तो बच रहा है, तो इसको या तो प्लस डी लिखेंगे, नहीं तो पाई आर प्लस 2d। ये होगा सर्कमफ्रेंस और एरिया। अब इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वार्टर सर्कल का। क्वार्टर सर्कल का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्वार्टर सर्कल का हम कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टर सर्कल क्या होता है? एक सर्कल का चौथा पार्ट, ऐसा कुछ बनेगा। और ये क्या होगा? इसका रेडियस। इसका एरिया तो काफी सिंपल, इसका जो पूरा सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, इसको 1/4 पार्ट कर दिए। बट सर्कमफ्रेंस में क्या हो जाएगा? ये तो अब इसका 1/4 हो गया, मतलब 2πr का 1/4। ये क्या हो गया? 1/4 टाइम्स ऑफ 2πr प्लस एक रेडियस यहाँ का, एक रेडियस यहाँ का, प्लस 2r। ये क्या हो जाएगा? πr बाय 2 प्लस 2r। ये हो गया इसका एरिया एक सर्कमफ्रेंस। ये सब तो बेसिक था। अब दिक्कत आता है जब एंगल्स पे बात करते हैं। नाउ हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। सपोज कीजिए कि आपको कोई सर्कल बोला गया जिसमें कि आपको एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, लेकिन आपको एंगल दिया हुआ है 30 degree। तो आप लोग कैसे करेंगे? पहले तो आप वो निकालेंगे कि 30 degree जो एंगल बन के जो सर्कल बन रहा है वो कितना पार्ट है पूरा सर्कल का। लाइक पूरा जो सर्कल होता है इसमें कितना एंगल, कितना डिग्री होता है? इसका डिग्री होता है 360 degree होता है, राइट? अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 30 degree कैलकुलेट करना। 30 degree पे कैलकुलेट करना, तो हम पहले ये देखेंगे 30 degree इस सर्कल का कितना पार्ट होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? निकालेंगे कितना पार्ट होता है। तो 360 by 30 मतलब 1/12 पार्ट होगा सर्कल का। तो हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे फिगर इसका, राइट? ये एंगल हो गया 30 degree, बट कितना पार्ट है? 1/12 पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया निकालना है। एरिया तो सिंपल हो जाएगा 1/12 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर। बट सर्कमफ्रेंस के लिए क्या करेंगे? 1/12 पार्ट ऑफ 2πr प्लस 2r। यहां से हो जाएगा पाई आर बाय 6 प्लस 2r। ये हो गया सर्कमफ्रेंस और ये हो गया इसका एरिया। इस तरह से हम लोग एंगल्स का कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। और सपोज को एक और क्वेश्चन में दे देती हूँ, जैसे सपोज 60 degree का निकालते हैं। 60 degree में क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन है 60 degree, पहले ये देखिए कितना पार्ट है। तो 60 by 360, यहां से क्या हुआ? 0 0 कैंसिल हुआ, 6 से 36 1/6, मतलब 1/6 पार्ट है
60 डिग्री। तो पहले हमें क्या करेंगे, एक पार्ट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एंगल कितना जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, तो फिर ये 1/6 पार्ट है। तो सिंपल इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बट ये 1/6 पार्ट है, तो 1/6 पाई आर स्क्वायर हो गया। सर्कमफेरेंस के लिए क्या करेंगे, 1/6 टाइम्स ऑफ 2πr प्लस 2r, ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/3πr प्लस 2r। सिंपल इस तरह से क्वेश्चन सारा, इस तरह से आपको किसी भी शेप का दिया हो, लाइक कोई भी शेप हो जो सर्कल का टर्म में दे रहा हो, तो आप उसका किसी का भी एरिया और सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू।